आप अध्ययन कर लें, यदि अभी आपका क्वेश्चन तैयार नहीं है तो क्वेश्चन तैयार करेंगे तो हम जवाब देंगे, ठीक है? क्योंकि बिना क्वेश्चन के काम नहीं चलेगा। और अभी हमने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें हम श्याम बाबू जी से बात कर रहे हैं, हमने उनको ब्रीफ किया है कि वो अपनी क्षमताओं का प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। आज हमने अपील की है कि आप लोग प्रेजेंटेशन तैयार करिए, आपकी सोच के आपकी तपस्या को हम जमीन पर उतारेंगे अपनी स्ट्रेंथ पर। बहुत बहुत हम जो है हम शासन की नीतियों का और योजनाओं का यूज करेंगे और अपने दम पर उसे जमीन पर उतारेंगे। और हमारे पास इतना पैसा होगा कि मैं उस जो मैं बात कह रहा हूं उसके विराट स्वरूप को हम देख पा रहे हैं। हमको अलग तरीके से कॉस्टिंग की आदत है तो हम में से अधिकांश लोग उस विराट स्वरूप को देखने की क्षमता ही नहीं रख रहे हैं। भगवान ने जब अपना स्वरूप जो है ना अर्जुन को दिखाया था तो उन्होंने साथ में दिव्य चक्षु दिए थे। अब मेरे पास तो दिव्य चक्षु है नहीं तो मैं टूटी मूटी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। और चूंकि हमारी नॉर्मल आदत जो है ना नॉर्मल कॉस्टिंग की है, नॉर्मल अकाउंटिंग की है, हम जो है ना धन के बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते हैं, जबकि सीएफबी ने अपने मॉडल में धन और कॉस्ट इन दोनों को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है। नाउ वी कैन अलोकेट इट एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ माई चूजिंग। और यही कारण है कि सीएफबी ने अपने मॉडल को स्केयरसिटी टू अबंडेंस मॉडल का नाम दिया है। आपके शरीर किसी भी व्यक्ति के कोई चीज बुरी है ही नहीं। जानवर मरता है उसकी चमड़ी काम आती है, उसकी हड्डियां काम आती हैं। आप जो खाते हो उससे दिमाग की एनर्जी बढ़ती है, हाथों का बल बढ़ता है जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और जो आप बाहर निकालते हैं वो यदि केमिकल से खराब ना करें तो वो बहुत अच्छी एनर्जी का और मैनर का काम कर सकता है। तो जहां कोई चीज खराब ही नहीं है उसमें संसाधनों की कमी कैसे हो सकती है? ये हमारी विकृत सोच है जिसके कारण हमने इसे स्पॉइल कर दिया है। लोगों का कहना है कि तीसरा विशुद्ध पानी के कारण होता है। मैथिली शरण घोषणा करते हैं कि कोई तीसरा विशुद्ध पानी के कारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 साल के अंदर हम इस पानी को 8 या 10 फीट तक ले आएंगे। ये मेरी प्रॉमिस है इस देश को। कोई इस देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ये मेरी प्रॉमिस है इस देश को। इतने सारे पेड़ लगेंगे ऑटोमेटिकली, भगवान सरकार की योजना के तहत नहीं, सरकारी जमीन पे नहीं, जंगलों पे नहीं, प्राइवेट निजी जमीनों पे वो पेड़ लगेंगे और धन की वर्षा होगी। हम ऑक्सीजन को इतना रिच कर देंगे एनवायरमेंट में कि लोग बाग जो है ना स्वस्थ लाभ के लिए भारत आएंगे। वो हमारे जो है ना फार्म हाउसेस में विदेशियों के ठहरने की व्यवस्था होगी, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी। तो उनकी व्यवस्था जो है ना मैदानदा में उनके ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में उसकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उनका इलाज हमारे गांव में होगा। हम इस देश के सभी नागरिकों को, विशेष तौर पर गांव में रहने वालों को, वर्ल्ड की बेस्ट चिकित्सा का जो है ना हक देता हूं। और चूंकि चारों तरफ धन की वर्षा होगी तो जो आप 15 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है 100 ट्रिलियन पे भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो 3 से 5 ट्रिलियन है, 15 ट्रिलियन नहीं 100 ट्रिलियन भी पहुंच सकते हैं। हम जितनी शक्ति के साथ बढ़ेंगे उतना पैदा होगा। आप ये बताइए, आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि मूल्यहीन हो? जो कि मूल्यहीन हो, जिसका कोई वैल्यू ना हो, ऐसी कोई चीज है आपके पास? नेचर में ऐसी कोई चीज है जिसकी कोई वैल्यू ना हो? तो कोई नहीं होती। तो फिर आप गरीब कैसे हो सकते हैं? जहां आपके पास अमूल्य चीजें हैं, अबंडेंस में है, संजीवनी जैसी जड़ी बूटियां हैं, फिर आप यदि गरीब हैं तो आपका दिमाग गरीब है। चूंकि आपके पास दिव्य चक्षु नहीं है इसलिए आप जो है ना नेचर की बृहद व्यवस्था को देखने की क्षमता ही नहीं रखते। तो आपको जरूरत है उस दिव्य चक्षु की जो कॉस्मोज मुझे डाउनलोड के माध्यम से रोज देता है थोड़ा सा। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज में कोई कंपन नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस का अभाव नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कॉस्मोस करा रहा है। और जब कॉस्मोस करा रहा है तो वो तो अरविंद बरौनिया को भी नहीं छोड़ेगा, उसको सपना देगा क्या कर रहे हो, गुप्ता जी की बात सुनो।
और जब सभी लोग बात सुनेंगे और सभी लोग जुड़ेंगे तो इस महापरिवर्तन को आने से कौन रोक सकता है। चलिए तो इस संवाद को अपन यही रोकते हैं और इस वार्तालाप के जरिए मैं सभी उन तपस्वियों की, यहाँ तपस्वी का मतलब वो साधु नहीं है, उन तपस्वियों की जो है ना से निवेदन करते हैं जिनका जीवन जो है ना अपने आप में एक तपस्या रहा है, जिन्होंने विभिन्न फील्ड में बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए हैं, वो प्रयोग विभिन्न वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण जमीन पे नहीं उतर पा रहे हैं। कृपया अपना जो श्याम बाबू जी से हमने बात की उसको जरा सुनिए, उसी लाइन पे आप एक अपना प्रेजेंटेशन बनाइए, हम आपके प्रेजेंटेशन के साथ आपसे मुखातिब होंगे और आपके की तपस्या को हम जमीन पे उतारेंगे। मैथिली शरण गुप्त अपने सीएफबी के माध्यम से आपकी तपस्या को अपनी दम पर जमीन पे उतारेगा, इस भविष्यवाणी के साथ हम आप सबका आह्वान करते हैं कि कृपया क्राइम फ्री भारत से जुड़े। और क्राइम फ्री भारत जो है ना अकेला जो है ना क्राइम से डीलने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि ये इट विल बी कवरिंग होल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग ई कॉमर्स। हम जो है मंडियों की आवश्यकता खत्म कर देंगे। हम जो ये अभी जो मैं जब देखता हूं तो मुझे हमेशा लगता है कि हमारे देश में प्रॉब्लम जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डिवाइड की है, इसके बीच में एक मिडिल क्लास बैठ गई है जो खूब मलाई खा रही है। आपकी जो शर्ट है जो आप शोरूम में 2500 की खरीद रहे हैं वो 500 रुपए में जो है ना पैदा हो रही है, और उस 500 रुपए में लेबर लॉज है, लेबर का पैसा है, मशीनरी का पैसा है, जो जो आपका फाइबर है उसका जो है फैब्रिक का पैसा है, सब चीज का पैसा है, डिजाइनिंग का पैसा है। और ये दुष्ट जो शोरूम वाले हैं ये 2000 रुपए बस सजा के लगाने के ही ले रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप ये देखिए कितना बड़ा विडंबना का विषय है कि एक किसान जो एकड़ों में सब्जियां पैदा कर रहा है उसके ऊपर की शर्ट गायब हो जा रही है, और उसी सब्जी को बेचने वाला 3x5 फीट के ठेले में बेच रहा है, उसके साथ 2 नौकर हैं, ये विडंबना नहीं है क्या? वो उसी सब्जी को पिटेंस में खरीद रहा है क्रेट में, और उसको जो है ना 250 ग्राम के रेट से बेच रहा है आपको, 5 गुना और 10 गुना पैसा पैदा कर रहा है उसमें, और आपको किसमें मिल रहा है? आपको तो 10 गुने कीमत में मिल रहा है। तो कंज्यूमर भी मर रहा है, किसान भी मर रहा है, सीएफ भी इस डिवाइड को खत्म कर देगा, हर जगह टेक्नोलॉजी को लाएगा, हर जगह टूल इक्विपमेंट एंड मशीनरी को लाएगा, और जो मशीनरी नहीं है उस मशीनरी को वो पैदा करेगा, इन्वेंट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से। हमारे युवाओं में बहुत चिंतनशीलता है, अभी वो जो छोटा मोटा सोचते हैं उससे स्टार्टअप बनाते हैं, अब हम उनको बताएंगे कि उन्हें कहाँ स्टार्टअप बनाना है। तो मैं ऐसे सभी युवाओं को अपील करता हूँ कि वो यहाँ पहुंचे, हमसे जुड़े, हम आपको जो है अपनी पॉलिसी से जोड़ेंगे, आपके आपकी योजनाओं को, आपकी चीजों को हम जो है जमीन में उतारेंगे। आपको अपने स्टार्टअप को चालू करने के लिए ना तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ना रिपोर्ट बनाना होगी, ना कहीं पे वो कराना होगा, आपके ये सब काम सीएफबी करेगा। यदि जरूरत होगी तो आपको जो है रॉ मटेरियल भी सीएफबी देगा, जरूरत होगी तो स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन करके भी आपको देगा, और आपके आउटपुट को बेचने का काम भी आपका रहेगा। तो जो सेलिब्रिटी नामक बिजू के हैं जिनके ऊपर आप मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वो सब बच जाएगा, तो वो लाभ जो है कंज्यूमर को पहुंचेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ता होगा, और वैसे भी कॉस्ट की कीमत ही नहीं है। आपकी जो दवाइयाँ जो 10 गुना और 50 गुना कीमत में बेची जा रही हैं उनके प्रोडक्शन कॉस्ट से, तो ये तो लालच और लॉबी है जो कि एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। और चूंकि इस लूट में सभी नेता वेता सम्मिलित हो गए हैं तो अब आपका कोई नहीं है, ठीक है ना? आप मेरी बात से सहमत हैं? तो इसी आह्वान के साथ हम जो है ना इस वार्तालाप को अभी बंद करते हैं, और आपके माध्यम से मैं अपने सभी साथियों को, क्योंकि मैं आपको जो है अरविंद बड़ौरिया नहीं मान रहा, मैं आपको 137 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि मान रहा हूं, और ये जो मेरी आवाज है वो आपके लिए नहीं है, ये देश के सभी वासियों के लिए है कि आओ मुझसे जुड़ो, मैं इस देश का जो ना तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।